तो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसे आप लोग RVNL के नाम से भी जानते हो। तो रेल विकास निगम को लेकर आज डिस्कस करेंगे, अचानक से शेयर में फॉल क्यों आया, यहाँ पर सपोर्ट टूटा आज के दिन, तो सपोर्ट टूटने के बाद हम क्या शेयर में अभी बने रहें या फिर शेयर को सेल करें, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। भाई देखो, 115 रुपये का स्टॉप लॉस क्या होता है, ठीक है, अगर काटे तो भाई बाहर निकलो, यही बोला था आपको, 115 का स्टॉप लॉस अगर काटा तो बाहर निकलिए। जो निवेशक शेयर को 114-15 के भाव पर, 120 के भाव पर उठाकर बैठे हैं, उनके लिए था भाई ये। ऑलरेडी जो 140-145 के भाव से उठाकर बैठ चुके हैं शेयर को, ठीक है, 135 के भाव से उठाकर बैठे हुए शेयर, जिनको इसके अंदर लॉस हो चुका है, उन्हें ऐसे में सेल करने से क्या बेनिफिट है। ऑलरेडी आप देखोगे मैंने आपको क्या बोला, नीचे में 100 रुपये के आसपास शेयर आ सकता है, ठीक है, जब शेयर कहाँ पर था, 134, 135, 140 के भाव पर था, तब भी आपको बोला था कि शेयर यहाँ से टूटेगा और 100 रुपये के आसपास आते नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर 113 के भाव पर आया हुआ है, ऐसे में पब्लिक के सवाल है कि हम क्या करें। देखो भाई, जिन्होंने 120 की रेंज से उठाया है या फिर 115 की रेंज से उठाया है, 116 की रेंज से उठाया है, तो उन्हें 115 का स्टॉप लॉस बताया था, अगर कटे तो स्टॉक को सेल कीजिए। तो यहाँ से आप लोग देखोगे आज दिन सपोर्ट टूटा है, सपोर्ट टूटने के बावजूद कमेंट आ रहेंगे सर अब हम क्या करें। तो चलिए देखते हैं भी कल के लेवल्स क्या रहेंगे। और वहीं तो आप देखोगे अभी तो Q4 आने बाकी है ना भाई, Q4 में कंपनी प्लस डिविडेंड भी आपको देने जा रही है, तो शेयर में तेजी बनना लाजमी है। पीछे इतने बड़े बड़े ऑर्डर विन किए थे, तो जो ऐसा सोच कर बैठे हो कि स्टॉक 150 के आसपास नहीं जाएंगे, तो उसका सबसे बड़ा जो ना भी ये गलत फहमी है। शेयर 150 को भी काटेगा, 250 को भी काटेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी बेनिफिट होगा। अगर पेशेंस खोकर यहाँ पर सेल कर दोगे ना, गिरावट में सेल कर दोगे, कोई बेनिफिट नहीं है, इस प्रकार अपनी कैपिटल ही आपको गंवानी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं भी कल के लेवल्स क्या रहेंगे। उससे पहले आप देखोगे 1,54,00,000 की स्टॉक में हाई वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिली है, 2.5% के आसपास टूटे, 113 पर क्लोजिंग ली है। वहीं आप देखोगे स्टॉक जो ना अभी एक साल में जो रिटर्न निकाल कर दे चुका है तकरीबन 260% के आसपास, और 90% के आसपास जो शेयर है वो अपने 52वीं क्लोज से उठा हुआ है। चलो भाई अब देखते हैं कल के लेवल्स क्या रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी RVNL के आज के दिन का जो डाटा देखने को मिला वो कैसा रहा, स्टॉक ने जो लो लगाया वो आप देखोगे 112.65 रुपये तक स्टॉक नीचे में आया है, तो काफ़ी बड़ी फॉल आज हमें शेयर के अंदर आते नजर आई है। यहाँ पर आप लोग देखोगे AM ऑर्डर की बात करें तो सेलिंग के लिए आया हुआ है, लगभग 35,000 के आसपास जो क्वांटिटी है वो आपको सेल के लिए लगी नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजिशन की तो 42% के आसपास डिलीवरी उठी है आज के दिन, जो शेयर ट्रेड होते हुए नजर आए हैं 1,32,00,000 के आसपास डिलीवरेबल क्वांटिटी, 55,00,000 के आसपास डिलीवरी ठीक ठाक उठी है भाई, ठीक है, एक छोटा सा सेल ऑर्डर आया हुआ है। इन सब को देखते हुए स्टॉक में यहाँ से और भी फॉल बन सकता है भाई, ठीक है, तो इसलिए हमें बिल्कुल सतर्क रहना है। नीचे के लेवल पर अगर स्टॉक मिलेगा तो अपने हाथ से वो मौका नहीं जाने देंगे, हम किसी भी हालात में नहीं जाने देंगे। अगर शेयर 100 रुपये की रेंज में आते नजर आए ना भी 103, 104, 105, 106, 107, तो वहाँ से वो मौका हाथ से नहीं जाने देंगे, यानी कि 110 को नीचे में स्टॉक काटे तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, 110 को नीचे में काटते ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलो देखते हैं भी चार्ट्स पर अब लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी 114.95 रुपये का स्टॉप लॉस था, वो काटा है स्टॉक ने, नीचे में सस्टेन किया है, तो ऐसे में स्टॉक के अंदर यहाँ से और फॉलिंग आ सकती है। तो यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, सॉरी सपोर्ट रहेगा नीचे में, वो आप देखोगे 102 रुपये के आसपास का है। अगर यहाँ पर स्टॉक नहीं डटेगा तो आप देखोगे भी पहली बात तो इसके नीचे नहीं जाने वाला स्टॉक, 102 के नीचे नहीं जाएगा, 102 रुपये के आसपास जो शेयर है वो फिर से हमें अप जाते नजर आएगा, या फिर यहीं से आप देखोगे स्टॉक में फिर से रिकवरी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हमारा जो नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा, अगर इंट्राडे वगैरह करना चाहो तो स्टॉप लॉस लेके चलना है 111.20 रुपये का कल के लिए, ठीक है, 111.20 रुपये को कटे तो स्टॉक से बाहर आइए। और ऊपर में बात करें कल के टारगेट्स को लेकर, तो आप देखोगे ऊपर में ये शेयर आपको जो अभी 115 रुपये प्लस में ज़्यादा नज़र आ सकता है, तो 111 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 115.65 रुपये के। यह कल के लेवल्स इंट्राडे करने वालों के लिए, और जो हाई लेवल से स्टॉक में फंसे हो, यहाँ से स्टॉक को उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गिर रहा है गिरने दीजिए, नीचे के लेवल पर मौका नहीं छोड़ेंगे जब एवरेज करने का टाइम आएगा, तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लॉस में बिल्कुल नहीं काटना है, अगर आपने यहाँ से उठाया ना शेयर, यहाँ पर डेफिनेटली जाएगा और इसको काटेगा भी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसको काटेगा भी, बट टाइम लगेगा, क्या पता 1 महीने लगे या फिर 3 महीने लगे या फिर 6 महीने लगे, इतना पेशेंस आप में होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।